अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसबा और आप देख रहे हैं मिसबा लाइफस्टाइल। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार तंदूरी आलू। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने तीन मीडियम साइज़ के आलू ले लिए, उनको मैंने छील लिए और इस स्लाइस से ऐसे इसको अब कट कर लें। ये देखिए कितना पतला स्लाइस है। सारे मैंने कट कर लिए। अब मैं इसमें शामिल करूंगी एक प्याली दही है, ये योगर्ट है, 1 प्याली, 1 टीस्पून नमक है, ये सॉल्ट है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखिए सारे आलू पे मैंने अच्छे सा मसाला लगा दिया है। अब इसको 10 मिनट के लिए हम एक साइड पे कॉर्नर पे छोड़ देते हैं। एक कढ़ाई में आधा कप मैं कुकिंग ऑयल लूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो घर में पीस लें, चाहे आप किसी और ब्रांड का ले लें। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 अदद हरी मिर्च कटी हुई। वन टेबल स्पून जीरा, ये साबुत जीरा है। इसको 1 या 2 मिनट के लिए हम अच्छे से फ्राई करेंगे। सब चीज़ें अच्छी सी रोस्ट हो गई हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी ये दही और ये जो आलू मसाला लगा के दही पे रखा हुआ था। हमने जो आलू में मसाला लगा के रखा था वो मैं शामिल कर दूंगी। देखिए आलू हमारे पकने शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 कप पानी। अब मैं इसको ढककर 5 मिनट के लिए पकने दूंगी ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएं। देखिए पानी ड्राई होना शुरू हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा अदरक, ये जिंजर है मैंने इसको स्लाइस में काटा हुआ है, अब मैं इसको दूंगी कोले का दम। हम इसको 5 मिनट के लिए कोयले का स्मोक देंगे ताकि इसमें तंदूरी फ्लेवर आ जाए। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको अच्छा सा भून लेंगे ताकि जितना कोयले का स्मोक है इसका धुआं इसके अंदर अच्छा सा जज़ब हो जाए और सारे मसाले भी अच्छे से पक जाएं। देखिए आलू का जितना दही का पानी था सारा खुश्क हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून बटर।
देखें आलू हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको डिश आउट करूंगी। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी जिंजर, ग्रीन चिली और धनिया। ज़बरदस्त से तंदूरी आलू तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।